आप देख रहे हैं नेशन भारत में राकेश। पूरे देश में इस बार स्वतंत्रता दिवस एक अलग ही अंदाज में मनाया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण का प्रभाव इस बार देश की आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस पर भी देखने को मिलेगा। इस बार न तो किसी को आमंत्रित किया जाएगा और न ही झांकियां निकाली जाएगी और न ही झंडोत्तोलन के समय देखने वालों का हुजूम जुटेगा। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए मनाया जाएगा। वही विक्रमगंज अनुमंडल स्थित इंटर स्तरीय स्टेडियम के मैदान में बारिश होने की वजह से स्टेडियम का मैदान तालाब में तब्दील हो गया, जिसे लेकर नगर के अधिकारियों की परेशानी भी बढ़ गई है। वही नगर परिषद के कर्मी भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर स्टेडियम के मैदान में जमे हुए बारिश के पानी को डीजल पंप के माध्यम से निकालने के प्रयास में लगातार लगे हुए हैं और साफ सफाई भी नगर परिषद के कर्मियों के द्वारा काफी जोर शोर से किया जा रहा है। तो 15 अगस्त को लेकर तैयारियां जोरों शोर से है। बहरहाल इस बार जो है स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि कोरोना के कारण ना ही तो वहां पर ज्यादा भीड़ जुटेगी, ना ही झांकियां निकाली जाएगी और सोशल डिस्टेंस के साथ जो भी कार्यक्रम होगा वो आयोजन किया जाएगा। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत, साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।